नमस्कार, स्वागत है आपका जन सत्य न्यूज में और हमारी खास पेशकश लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ फरहा सिद्दीकी। दिल्ली को दंगों की आग में अब और नहीं जलने दिया जाएगा, ना ही दिल्ली पर बदनुमा दाग लगने देंगे। अब दंगाइयों की मनमानी और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हां, पूर्वी दिल्ली में पिछले चार दिनों से चल रही हिंसा पर अब लगाम लग चुकी है। प्रशासन के सख्त रवैये के बाद दंगाई पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, क्योंकि प्रशासन ने पुलिस को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जो दे दिए हैं। वहीं लोगों को सुरक्षित और महफूज रखने के लिए पुलिस हर तरफ फ्लैग मार्च कर ये यकीन दिला रही है कि वो 24 घंटे दिन रात हर हाल में उनकी सुरक्षा में तैनात है। हर तरफ से उठता धुआं, ये बयां करने के लिए काफी है कि रात के अंधेरों में क्या हुआ। चारों तरफ डर और दहशत का माहौल। दिल्ली में बीते पिछले 72 घंटे 72 साल के बराबर थे। दरअसल पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को जो दंगे शुरू हुए वो शायद एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। दिल्ली को जलाने की साजिश तो उसी वक्त परवान चढ़नी शुरू हो गई थी जब CAA की आड़ में चंद लोगों ने दिल्ली को बंधक बना लिया। बंधक बनी दिल्ली छटपटा रही थी क्योंकि दंगों की आड़ ने उसको लहूलुहान कर दिया था। इस हिंसा ने खूबसूरत दिल्ली की वो बदनुमा तस्वीर बनाई जो शायद यहाँ रहने वाले लोगों ने ख्वाबों में भी नहीं सोची थी। किसी का आशियाना उजाड़ा तो कहीं जलती गाड़ियां नजर आईं। दंगाइयों ने किसी की रोजी रोटी के जरियों को आग के हवाले कर दिया तो कहीं पत्थर बरसाए गए। चारों तरफ मानो मायूसी और अपनी जान को बचाने की जद्दोजहद। दंगाइयों का खून इस कदर सफेद हो चुका था कि शायद ये इंसानियत को ही भुला बैठे। वो शायद भूल गए कि जिन लोगों का घरौंदा इतनी बेरहमी से जला रहे थे, उस छोटे से घरौंदे को बनाने के लिए किसी ने अपनी पूरी उम्र गुजार दी। जिस दुकान के जरिए वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है, परिवार को दो वक्त की रोटी खिलाता है, जिसको उसने अपने खून पसीने से सींच कर बनाया, जिसके लिए उसने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन गवाया, वो एक ही पल में तोड़कर बिखेर दिया गया। ये लोग समझ ही नहीं पाए कि क्यों एक झटके में ही उनका सब कुछ तबाहो बर्बाद कर दिया गया। अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली को सौंपने वाले इन मासूम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपनी खुद की दिल्ली का ये हाल भी देखेंगे। लेकिन अब तस्वीर बदलती सी दिखाई देने लगी। डर से कांप रही दिल्ली अब शांत सी है। पुलिस का साथ लोगों को चैन से सोने का यकीन दिला रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली एक बार फिर से पटरी पर आने के लिए तैयार हो चुकी है। क्योंकि CAA की आड़ में शुरू हुआ दिल्ली को बंधक बनाने का सिलसिला फिलहाल थमता सा नजर आ रहा है, लेकिन पिछले चार दिनों में पूर्वी दिल्ली में जो हुआ उसने दिल्ली के दिल पर वो घाव दिए जो शायद ही ये अमन पसंद शहर और यहाँ रहने वाले लोग भूल पाए। दंगों ने दिलवालों की दिल्ली की जो तस्वीरें पेश की उससे आज पूरा देश शर्मसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। दंगों की आग से जल रही दिल्ली को बचाने के लिए एक तरफ जहां प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को खुलकर सपोर्ट किया, तो वहीं डरे सहमे लोगों को अमन से जीने का विश्वास दिलाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिंसाग्रस्त दिल्ली की सड़कों का रुख किया। सरकार ने भी इस हिंसा पर लगाम लगाने और हालात का जायजा लेने के लिए NSA अजीत डोभाल को इसीलिए ही चुना क्योंकि डोभाल ही एक ऐसे शख्स थे जो हिंसा और दंगों के खौफ में जी रहे लोगों को ये भरोसा दिला सकते थे कि वो अब सुरक्षित हैं। दिल्ली की सड़कों पर घूमते डोभाल न सिर्फ लोगों को अमन और शांति का भरोसा दिला रहे थे, बल्कि अपनी पैनी नजर से दंगों के कारणों का भी पता लगा रहे थे। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहा है वो कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है, बल्कि ये देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नाम है अजीत डोभाल।
हाईटेक सुरक्षा से घिरे दिल्ली के सड़कों पर घूम रहे अजीत डोभाल को ऐसे ही दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाके में नहीं भेजा गया था, बल्कि समय की मांग थी कि अब सुलगती दिल्ली को कोई अगर बचा सकता है तो वो हैं अजीत डोभाल। इस घटनाक्रम के पर्दे के पीछे की कहानी को सुनिए। दरअसल जिस वक्त दिल्ली में हिंसा की आग तेजी से फैल रही थी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत के मेहमान थे। ऐसे में दिल्ली में हिंसा फैलने के बावजूद कोई कठोर फैसला लेने से सरकार हिचक रही थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत से रवाना होते हैं, उसके बाद ही प्रशासन हरकत में आता है और शुरू होता है मीटिंग का दौर। और दिल्ली के हालात पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर थी। ऐसे में शीर्ष स्तर पर हुई बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जाता है और अजीत डोभाल को सीधे दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों में उतरने को कहा जाता है। और ये आदेश कोई और नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह देते हैं। हालांकि इसके पहले अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर चुके थे। बुधवार को डोभाल ने सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति को ताजा हालात की जानकारी दी, लेकिन बात यहीं पर नहीं खत्म होती। उसके बाद की कहानी यह है कि फौरी तौर पर तो हिंसा रुक गई, लेकिन प्रशासन को डर था कि हिंसा भले ही रुकी हो, लेकिन अगर इस मामले पर अंदरूनी स्तर पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो हिंसा फिर से भड़क सकती है। लिहाजा बुधवार की शाम को फिर से डोभाल दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा शुरू कर देते हैं। इस बार डोभाल हिंसाग्रस्त इलाकों के लोगों से सीधा मुलाकात करते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं कि अब किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस बीच डोभाल लोगों से बात करते हुए उनकी समस्याओं को जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डोभाल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हिंसा भले ही रुक गई हो, लेकिन लोग डरे हुए थे। इसलिए डोभाल जानते थे कि जब तक ग्राउंड जीरो पर जाकर काम नहीं करते, तब तक ऐसी हिंसा से पार नहीं पाया जा सकता। और इसलिए डोभाल को सरकार की तरफ से फ्री हैंड भी कर दिया गया कि हिंसा को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम हो उसको उठाया जाए, और डोभाल ने ऐसा ही किया। अपने दौरे में उन्होंने वो सारी जानकारी इकट्ठा की जो कि इस हिंसा को रोकने के लिए जरूरी थी। उस जानकारी पर क्या अमल करना है उसका भी फैसला किया गया। खैर, अभी तक किसी प्रकार की हिंसा की खबर नहीं आई है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हिंसाग्रस्त इलाकों में लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। दिल्ली वालों की दिल्ली कितनी शांत, खूबसूरत और फरवरी महीने में मीठी मीठी धूप में खिलखिलाती रही थी। दिल्ली की ये खूबसूरती और यहाँ पर रहने वाले लोग इतने शांत हैं कि उनको कानो कान ये खबर नहीं हुई कि कुछ दहशतगर्दों की उनको नजर लग गई है। लोगों को क्या पता था कि जब वो सुबह अपने घरों से रोजमर्रा की तरह काम पर निकलेंगे तो थोड़ी ही देर बाद एक डर का माहौल उनसे ये शांति छीन लेगा। किसी ने भी सोचा नहीं था कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति जब दिल्ली में होंगे तब दिल्ली दंगों का दंश झेलने को मजबूर हो जाएगी। दरअसल ये सब अचानक नहीं हुआ बल्कि पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, और साजिश भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि ऐसी कि साजिश जिसके कई पहलू हैं। हालांकि अभी इनमें साजिश की कुछ परतें तो खुल चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तारीख 24 फरवरी दिन सोमवार, अल सुबह दिल्ली उठी और रोजमर्रा की तरह दौड़ पड़ी मंजिल की ओर। सब कुछ सामान्य था, लेकिन 12 बजे तक दिल्ली में असामान्य स्थिति की सुगबुगाहट होने लगी। हालांकि शाहीन बाग और जाफराबाद में विरोध प्रदर्शन की खबरें थी, और उससे भी ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर चर्चा तेज थी। लेकिन शाम होते होते उत्तर पूर्वी दिल्ली की कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन की खबरें आने लगती हैं। हालांकि सोमवार का दिन तनावपूर्ण था, लेकिन खामोशी से गुजरता है। लेकिन मंगलवार की सुबह होते होते दिल्ली में हिंसा और आगजनी की खबरें तैरने लगती हैं, और एक के बाद एक कई जगहों पर हिंसा की वारदात की खबरें आने लगती हैं। उसके बाद जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। खैर, दिल्ली में हिंसा भले ही शांत हो गई हो, लेकिन हिंसा जिस तरह से हुई है
उसे देखते हुए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस हिंसा की पटकथा पहले ही लिख दी गई थी, क्योंकि बिना साजिश के इस तरह से सुनियोजित हिंसा को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। दरअसल मंगलवार की सुबह से ही जिस तरह से दिल्ली के एक के बाद एक इलाके में हिंसा तेजी से फैल रही थी, उसी में साजिश की बू आने लगी थी। हिंसा के पीछे जो कारण दिया जा रहा है वो ये है कि कैसे भी करके हिंसा फैलाने वाले लोग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए हिंसा करने वालों को इस बात पर पूरा यकीन था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके लाइमलाइट में नहीं आया जा सकता। ऐसे में हिंसा का सहारा लेकर लाइमलाइट में आने की कवायद शुरू कर दी जाती है। जो कुछ भी हुआ उसके तार को जोड़ने पर साजिशों की परतें खुलने लगी हैं कि कैसे दिल्ली को जलाने के लिए पहले से पत्थर और पेट्रोल पंप को इकट्ठा किया गया था। जाहिर सी बात है, ऐसी घटनाओं में अगर पेट्रोल पंप और गोलियां चलती हैं तो इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि साजिश प्रायोजित नहीं थी। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो इस साजिश में दोनों गुटों के तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया था, साथ ही उनको हथियार के सारे इंतजाम भी किए गए थे, क्योंकि जिस व्यापक पैमाने पर पत्थर और पेट्रोल बम इस हिंसा में इस्तेमाल किया गया उससे साफ पता चलता है कि तैयारी काफी पहले से थी। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी शेयर किए गए जिसमें लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाया गया था, लेकिन जनसत्य ऐसे किसी भी वीडियो का पुष्टि नहीं करता है। हालांकि दिल्ली पुलिस भी इस हिंसा के पीछे कौन लोग शामिल थे और किसके इशारे पर यह हिंसा हुई इसका पता लगाने में जुटी हुई है। इन सब के बीच साजिश का एक हिस्सा राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषणों की वजह से दिल्ली में हिंसा हुई है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पार्षद पर भी हिंसा फैलाने का आरोप है। हालांकि आपके पार्षद ने वीडियो जारी कर अपने आप को बेगुनाह बताया है, लेकिन जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं उस पर आधिकारिक मुहर लगना अभी बाकी है। लेकिन आधिकारिक मुहर लगे या न लगे, साजिश तो गहरी थी और दिल्ली पुलिस भी इस बात को मानती है। खैर, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही असली सच सामने आएगा कि दिल्ली को हिंसा के आग में झोंकने वाले कौन थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सफर रहेगा जारी, देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।